आज हम सुनने जा रहे हैं एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा रचित निबंध सांस सांस में बांस। तो आइए सुनते हैं इस निबंध को। एक जादूगर थे चंकी चंद लिंबा। अपने जीवन में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उसकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनवाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत तादाद में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनाना शुरू की तो बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसे किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लग गई हो। बांस से टेक केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वो एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचली नुकीले सिरे पर खपच्चियों का एक दूसरे से गुथी हुई होती है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय के बगानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसे ही टोपियां पहने हुए नजर आएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाओं और पत्तियों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर तक होती हैं। दांव यानी कि चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरियां बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों की लंबी खपचियां काटी जाएं। यानी कहां से काटा जाएगा या टोकरियों की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियों किसी काम की भी नहीं होती हैं। इन्हें चीर कर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने के लिए काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है,
जबकि दर्जनी तासों को एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ में खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबाता है और दबाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए खिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम के छाल से लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है। बांस की बुनाई वैसे तो होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों के चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ तिछाव से रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग के निवाड़ की बुनाई की तरह। टूल बुनता है तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से आता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरियों के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़ कर फंसा दिया जाता है। और हमारी टोकरी तैयार, चाहे तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो ये था निबंध एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा रचित, जिसका अनुवाद किया है शशि सबलोक जी ने।